हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानो बीएड उर्दू में टोटल कितनी सीटें हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें हैं, ओबीसी की, एससी, एसटी, अलग अलग कैटेगरीज की कितनी सीटें रिजर्व हैं, और मेन कैंपस में कितनी सीटें हैं, और अलग अलग सिटीज़ में कितनी सीटें हैं, कितने बच्चे इस बार एग्ज़ाम में अपीयर हुए, फर्स्ट लिस्ट में कितने बच्चों का नाम आ जाएगा, और दरभंगा में एडमिशन कितने रैंक तक पे आसानी से हो जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मानो बीएड एडमिशन से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मानो बीएड उर्दू में टोटल जो सीटें हैं वो हैं 82, अनरिजर्व्ड का 33 सीट है, ईडब्ल्यूएस 8, ओबीसी 22, एससी 13 और एसटी 6। हैदराबाद में 13 सीटें हैं, दरभंगा में यहाँ भी 13, भोपाल 12, आसनसोल 12, जम्मू एंड कश्मीर 6, संभल 7, औरंगाबाद 7, बीदर 6 और नूह 6। इस बार इंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे 1463 बच्चे, और अगर देखा जाए तो 82 सीटें हैं और 1463 बच्चे अपीयर हुए हैं। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 5.6 अप्रॉक्स 5-6% बच्चों का ही एडमिशन हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीटें बहुत कम हैं और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। लखनऊ में 39 बच्चों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, संभल यहाँ पे 53, वाराणसी यहाँ पे 32, और टोटल मिला के यूपी में 124 बच्चों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। श्रीनगर यहाँ पे 8, और जम्मू में 2 बच्चे ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो टोटल जम्मू एंड कश्मीर में मिला के 10 बच्चों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। सिवान यहाँ पे 10 बच्चे इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, पटना 196, किशनगंज 138, और दरभंगा 584, और सबको जोड़ दिया जाए तो बिहार के सेंटर्स पे टोटल 928 बच्चों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है इस बार। रांची, झारखंड यहाँ पे 12 बच्चों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, नूह हरियाणा यहाँ पे 41 बच्चों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद हैदराबाद, तेलंगाना यहाँ पे 56 बच्चों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, दिल्ली एनसीआर यहाँ पे 153 बच्चों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, कटक उड़ीसा यहाँ पे 1 बच्चे ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, बेंगलोर कर्नाटक यहाँ पे 1 बच्चे ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, भोपाल मध्य प्रदेश यहाँ पे 4 बच्चे ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है,
औरंगाबाद, यहाँ पे 6 बच्चे ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, और आसनसोल वेस्ट बंगाल, यहाँ पे 137 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में 73 बच्चों का सिलेक्शन होगा, और ये 73 बच्चे जो होंगे हर कैटेगरी से उसी परसेंटेज में होंगे जैसा मैंने आपको बताया है, यानी अनरिजर्व्ड से 40%, ईडब्ल्यूएस से 10, ओबीसी से 27, एससी से 15 और एसटी से 7.5। दरभंगा में एडमिशन के लिए आपका रैंक अगर 47 या उससे कम है तो आसानी से दरभंगा में आपको सीट मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ वही दो क्राइटेरिया है कि आपने बिहार के किसी भी सेंटर पे एग्ज़ाम दिया होगा, और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि दरभंगा आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा एडमिशन के लिए। ठीक है, अगर आपका रैंक 47 या उससे कम है और आपने बिहार के किसी भी सेंटर पे एग्ज़ाम दिया है, दरभंगा को फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में एडमिशन के लिए चुना है, तो आपका एडमिशन दरभंगा में आसानी से हो जाएगा। और इससे ज़्यादा रैंक होने के बावजूद भी आपका एडमिशन दरभंगा में हो सकता है ना, अगर आप जनरल वीमेन या ओबीसी वीमेन या ईडब्ल्यूएस वीमेन से आती हैं, इस कैटेगरी से आती हैं तो। और अगर आपका रैंक 47 क्या 100 भी हो तो भी एडमिशन हो सकता है, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। स्पेशल कैटेगरी मतलब जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट, स्पोर्ट्स पर्सन, जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट, सीएपी, सीए, एनसीसी, एनएसएस, पीएमएसएस, पीडब्ल्यूडी और एससी एसटी, अगर इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 47 नहीं बल्कि 100 भी अगर आपका रैंक है तो भी दरभंगा में एडमिशन हो सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।